दुनिया के अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस का कोहराम मचा हुआ है और लॉकडाउन की वजह से झारखंड के धनबाद ज़िले के कुछ इलाकों में रहने वाले दिहाड़ी मजदूरों को भोजन आदि की काफ़ी कठिनाई हो रही है। ऐसे में पिछले कई दिनों से जिला पुलिस एवं सामाजिक संगठनों के साथ साथ कई जगहों पर आम आवाम को भोजन कराने के लिए लोग सेवा भाव से काम कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्राचार्या एवं SSP किशोर कौशल ने कोला कुसमा इलाके के दिहाड़ी मजदूरों के बीच 400 भोजन के पैकेट और बॉटल बंद पानी का वितरण किया। मौके पर दिल्ली पब्लिक स्कूल प्राचार्या सलिता सिन्हा ने बताया कि सोशल कार्यों में दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रबंधन सदैव आगे रही है और अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए आज से ज़रूरतमंदों के बीच भोजन के पैकेट का वितरण शुरू कराया गया है। आज 400 लोगों के बीच इसका वितरण किया गया है और आने वाले भविष्य में जिले के अलग अलग जगहों पर जाकर ज़रूरतमंदों के बीच लगातार भोजन के पैकेट एवं अन्य खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जाता रहेगा। सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत क्या कुछ कार्यक्रम किए गए? आज हम लोगों ने गरीब लोगों को जो लेबर क्लास है, जो डेली वेजेस है, जो जिस पर ये है, उनको खाने का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है ये लॉकडाउन की वजह से, तो हम लोग चाह रहे थे कि कुछ उनके लिए अच्छा सा करें, तो हमने ये एक दिन का दोपहर का खाना इनके लिए। क्या क्या है पैकेट? पूड़ी है, सब्जी है, मिठाई है, सब कुछ। ऐसा लगता है कि कितने लोगों को लगभग दिया गया होगा? 400 भविष्य में भी ये जारी रहेगा जी? भविष्य में भी ये भविष्य में भी हमारा ये रहेगा, हम जरूर चाहेंगे कुछ करें समाज के लिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए SSP किशोर कौशल ने बताया कि वैश्विक महामारी के समय में लगातार समाज के प्रबुद्ध वर्ग आगे आ रहे हैं और धनबाद जिला प्रशासन एवं धनबाद पुलिस के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर लोगों के सहयोग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज इसी क्रम में यहां पर लोगों के बीच भोजन के पैकेट के वितरण की गई है एवं साथ ही ज़िले के तमाम क्षेत्रों में गरीबों को भोजन कराने के लिए पुलिस के द्वारा भी सामुदायिक रसोई के साथ साथ अन्य संगठनों के द्वारा भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। साथ ही SSP ने बताया कि तमाम लोग जो तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए गए थे, लगभग उनमें से 20 लोगों की पहचान कर ली गई है और सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। उन्होंने अपील की कि आप जहां पर भी खड़े हों सोशल डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें, साथ ही लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन करें, तभी जाकर कोरोना जैसे भयानक वायरस की महामारी से हम अपने परिवार, समाज और देश को बचा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल दिख रही है क्योंकि लगातार सिविल सोसाइटी भी सामने आ रही है, NGOs भी सामने आ रहे हैं, प्रशासन भी अपने स्तर से हर जगह पे जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है, सैनिटाइज़र मास्क की व्यवस्था कर रहा है और लगातार इस कोशिश में है कि जहाँ भी इस प्रकार का वितरण भी होता हो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। लेकिन बिना पुलिस फोर्स के लगाए कई बार ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं, उसमें भी लगातार लोगों को जागरूक करना पड़ता है और कई बार लोगों को लाइन में लगाने के लिए हम लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो लोगों को इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बार बार प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग जोर दे रहा है उसका कारण है, क्योंकि जिस चीज़ से बचने के लिए पूरा लॉकडाउन किया गया है, जिसका कहीं ना कहीं एक परिणाम है कि लोग जो दिहाड़ी खाने कमाने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है, लेकिन मूल उद्देश्य लॉकडाउन को सुनिश्चित करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना है। तो वैसे मैं सभी लोगों को आप लोग चैनल्स के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि डिस्ट्रीब्यूट करने वाले भी जो सोशल सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी या NGOs के लोग हैं और जो लाभुक हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, वो इस बात का एकदम अनुपालन करें कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का ऑब्जेक्टिव है कहीं चैरिटी के नाम पर या लोगों की मदद करने के नाम पर वो चीज़ पीछे न रह जाए। और प्रशासन इसमें लगातार कोशिश कर रहा है कि इस तरीके की चीज़ें मेंटेन रहें। अभी भी आपने देखा कि पुलिस लगातार लाउडस्पीकर से अनाउंस कर रही है, लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है, फोर्सेस लगातार डिस्टेंस मेंटेन करवाने का कोशिश कर रही है। तो कोशिश रंग ला रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं ला रही है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी और इस दिशा में जागरूक होने की आवश्यकता है।
तक कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया है तबलीगी मजार में जो लगे हुए हैं? रिपोर्ट गया था उसका क्या है? देखिए, जितने भी लोग तबलीग के अभी तक हमारे पास आए हैं, तकरीबन 20 लोगों को हम लोगों ने क्वारंटाइन किया हुआ है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि तबलीग से जुड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने हाल फिलहाल में किसी भी प्रकार से कहीं यात्रा नहीं की है, जिसको पूछताछ के आधार पर बाकी भी हम लोगों ने आसूचना अपने स्तर से प्राप्त की है। तो जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कहीं भी नहीं है, उनका मेडिकल जांच कराया गया है और उनको होम क्वारंटाइन कराया गया है, और वैसा कोई भी व्यक्ति जमात से जुड़ा हुआ हो या गैर जमात से भी जुड़ा हुआ हो, उन लोगों का जिसके ट्रैवल हिस्ट्री है, जो लोग बाहर गए हैं, हालांकि पिछले कुछ समय में, पिछले एक महीने के दौरान कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है अभी तक जो सामने आई है बात धनबाद ज़िले के अंदर में, जो कि जमात से जुड़ा हुआ हो या जिसने बाहर कहीं यात्रा की हो, दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकाज़ में जिसने शिरकत पिछले एक महीने के दौरान की हो, उसके पहले तो किया है। तो एक महीने की अवधि प्राप्त होने पूरी होने के बाद इनक्यूबेशन पीरियड भी एक तरीके से समाप्त हो जाता है, बट इसके बावजूद एहतियात के तौर पर जितने भी लोगों ने बाहर यात्रा की थी, उन लोगों को हम लोगों ने, तकरीबन 20 लोगों को हम लोगों ने क्वारंटाइन में भी रखा हुआ है। उसमें से सैंपल्स भी भेजे गए हैं उन लोगों के, और हम लोग लगातार ऐसे लोगों पर निगरानी रख रहे हैं। बहुत से ऐसे धर्म स्थलों पे अनावश्यक अभी भी लोगों के एकत्रित होने की सूचना मिल रही है बहुत। नहीं, वो लगातार हम लोग प्रयासरत हैं, चूँकि आज रामनवमी का अवसर है तो इस कारण से विशेष तौर पर हम लोगों की चौकसी है। हम लोग लगातार माइक से भी अनाउंस कर रहे हैं, लोगों से भी, सारे अखाड़े वालों से पहले ही बात करके जुलूस को स्थगित कर दिया गया था। इसके पश्चात जो मंदिर वगैरह हैं जहाँ लोग श्रद्धालु पूजा करने के लिए जाते हैं, उन सब से अपील की गई थी। तो काफ़ी हद तक ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि नियंत्रण में है अभी तक। कतिपय स्थानों पर जहाँ भी इस तरीके के मामले आ रहे हैं, वहाँ हमारी फोर्सेज डिप्लॉयड है, मजिस्ट्रेट डिप्लॉयड है, वो लोगों को समझा बुझा करके उनके घर वापस भेज रहे हैं। सर, जो विदेशी 10 लोग थे उनका भी रिपोर्ट आया, क्या है उनकी? सैंपल्स भेजे गए थे, रिपोर्ट के बारे में अभी मैं पुख्ता तौर पर कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन सैंपल उनके गए हुए हैं।